हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। इस कंपनी का जो भाई प्राइस है अभी वो 360 रुपया 370 रुपया के बीच में इसका प्राइस है। देखो, आप लोग जब किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो बिजनेस को देख के खरीदो। अगर आप बिजनेस को देख के खरीदते हो भाई तो ही जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। लेकिन जो नए इन्वेस्टर है, बिगिनर है, वो क्या करते हैं कि स्टॉक का प्राइस देख के खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो आप लोग ऐसी भूल कभी भी मत कीजिए। क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा ही, चाहे वो 2000 का स्टॉक हो या फिर 200 का स्टॉक हो। हमेशा क्वालिटी कंपनी में ही पैसा लगाना आप लोग पसंद करो। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ एयरली चार्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और इसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पे किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 2017 में था, वो 2064.77 था मार्च 2017 में। और मार्च 2019 में देख लो 2812.87 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। हाफ ईयरली 2064 से 2812 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो टोटल इनकम था वो 2088.44 था मार्च 2017 में। और मार्च 2019 में देख लो 2841.92 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है। हाफ ईयरली 2088 से 2841 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 320.34 था मार्च 2017 में। और मार्च 2019 में देख लो 412.88 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाफ ईयरली 320 से 412 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो एबिटा था वो 344.01 था मार्च 2017 में। और मार्च 2019 में देख लो 441.93 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, 344 से 441 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 198.90 था मार्च 2017 में। और मार्च 2019 में देख लो 235.42 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है। हाफ ईयरली 198 से 235 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो पैट था वो 170.90 था मार्च 2017 में। और मार्च 2019 में देख लो 206.82 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ ईयर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ। पहले आप हाफ ईयर रिजल्ट देख रहे थे तो देखो, नेट सेल्स मार्च 2015 में था वो 3806.51 था मार्च 2015 में, 3806.51 था। और मार्च 2019 में देख लो 5515.55 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 3806 से
515 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 3840.70 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 5569.18 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 475.40 था मार्च 15 में 475.40 था, और मार्च 19 में देख लो 810.19 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 475 से 810 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 509.59 था, मार्च 15 में 509.59 था, और मार्च 19 में देख लो 863.82 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 509 से 863 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 266.03 था, मार्च 15 में 266.03 था, और मार्च 19 में देख लो 467.63 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 266.03 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 439.03 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आने वाले समय में ये कंपनी कई गुना रिटर्न बना के दे सकता है। आप सभी लोग के पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। बर्जर पेंट का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आप सभी लोग बर्जर पेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, एशियन पेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, कंसाइन नेरोलॉक को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो भैया इन सब कंपनियों आप पैसा क्यों नहीं लगाते हो? आपको पता नहीं है कि ये बिजनेस आने वाले 100 साल तक 200 साल तक जिंदा रह सकता है? तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे भाई तो आपका पैसा बनेगा ही। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि डेली एक नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हो और मुझे भी कमेंट करके बोलते हो भैया कुछ नया तो बताओ, कुछ नया स्टॉक तो बताओ। भैया स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, अगर मैं सभी पे वीडियो बना दूंगा तो क्या आपका पैसा बन पाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा। आप लोग हमेशा क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाए कीजिए, डेली मल्टीवेयर स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आपका पैसा गलत कंपनी में भी लग सकता है। वॉरेन बफे जी क्या बोलते हैं कि ऐसी बिजनेस में पैसा लगाओ जो बिजनेस आप लोग समझते हो। तो भैया आप लोग बर्जर पेंट का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह समझते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो पैसा कल ही से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मंथली SIP करना चाहते हो तो मंथली SIP करो, लमसम पैसा लगाना चाहते हो तो लमसम भी पैसा लगा सकते हो इस कंपनी में। बर्जर पेंट का आपको मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेन्यू में गया, बर्जर पेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो इंटीरियर वाल कोटिंग, एक्सटीरियर वाल कोटिंग, एक्सटीरियर टेक्सचर, मेटल फिनिश, वुड फिनिश। तो ये कंपनी लोहे के लिए और लकड़ी के लिए भी पेंट बनाती है, और भैया ऑटो सेक्टर के लिए भी कंपनी पेंट बनाती है, मतलब गाड़ियों में पेंट लगता ना, पेंट तो होता ना, तो उसके लिए भी ये कंपनी पेंट बनाती है। यहाँ पे और भी देख सकते हो, ग्लास फिनिश, अंडर कोटेड, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट है। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है,
तो देखो 10 साल में टर्न है वो 1894.59% टर्न है, सेंसो का टर्न है वो 134.47% टर्न है, 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में टर्न है वो 38.77% टर्न है, सेंसो का टर्न है वो 31.72% टर्न है, 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में 9.38% टर्न है, सेंसो का टर्न है -3.51% टर्न है, ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में टर्न है वो 11.60% टर्न है, सेंसो का टर्न है 3.51% टर्न है, 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में 11.04% टर्न है, सेंसो का टर्न है -0.17% टर्न है, 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 1.60% टर्न है, सेंसो का टर्न है 1.72% टर्न है, 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में -0.34% टर्न है, सेंसो का टर्न है 0.71% टर्न है। तो भैया आप लोग बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आने वाले सालों में ये कंपनी आपको कई गुना रिटर्न बना के दे सकता है। बर्जर पेंट का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ भाई। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 75% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है बर्जर पेंट में 5.54% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 2.28% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 1.51% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है बर्जर पेंट में 4.26% होल्डिंग है। नॉन इंश्योरेंस वेक्टर के पास जो होल्डिंग है बर्जर पेंट में 11.41% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बर्जर पेंट का प्रेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बर्जर पेंट का 52 वीक हाई है वो 375 रुपया, 52 वीक लो है 260 रुपया 55 पैसा। सेंटीमीटर देख लो भाई, 100% लोग बोल रहे हैं सेल कीजिए। देखो यहाँ पे जो भी वोट करने वाले लोग हैं वो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन वाइज नहीं है, वो लोग तो वोट करते ही नहीं है, वो लोग इस सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो देखो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे वोट करने वाले हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है ना वो यहाँ पे देख सकते हो, वो लोग बोल रहे हैं सेल कीजिए। बर्जर पेंट भाई क्या दिक्कत है आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि आप ही लोग यहाँ पे वोट करते हो, हम नहीं करते हैं। मुझे तो पता है ही कि बर्जर पेंट कितना जबरदस्त स्टॉक है। हाँ थोड़ा कम रिटर्न जरूर बना के देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेंट बहुत बड़ा रिटर्न बना के देगा। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा, कैपिटल भाई सेफ रहेगा ना तो पैसा भी बन जाएगा। और खराब मार्केट में भी ये कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, देख सकते हो। बर्जर पेंट का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 35,844.40 का मार्केट कैप है। तो भैया इस कंपनी का 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है बर्जर पेंट का वो 75.64 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 68.38 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले बर्जर पेंट का पी थोड़ा सा हाई है। बुक वैल्यू जो है बर्जर पेंट का वो 24.43 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो 4.88 का अर्निंग पर शेयर है। फेस वैल्यू 1 का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।